एक मंजर आपके साथ अगर शॉर्ट सा शेयर करूं तो क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं कि जब हम शादी में जाते हैं और जोड़े को देखते हैं, दुल्हन दूल्हा को, तो फिर हम थोड़ा सा अपने भी नजरिए को और अपनी भी सोच को आगे दौड़ाते हैं। यार थोड़ा दूल्हा काला नहीं है, थोड़ी दुल्हन काली नहीं है, थोड़ा दूल्हा चिट्टा नहीं है, थोड़ी दुल्हन चिट्टी नहीं है, यार दूल्हा कितना लंबा है, दुल्हन कितनी छोटी है। यानी कि हम अपने दिमाग से ये सोच रहे होते हैं कि यार इनका आपस में चक्कर किस तरह से हुआ, ये किस तरह से एक रिलेशनशिप बना, एक रिश्ता, और फिर आखिरकार एक शादी की शक्ल में ये रिश्ता हमारे सामने, इसकी शादी में हम खाना खा रहे हैं और साथ ही साथ हम देख रहे हैं और सोच रहे हैं। अगर वो हमारा कोई बहुत करीबी होगा, मिसाल के तौर पर कजन या भाई होगा, तो फिर तो हमारा हसद जलन इस तरह की होगी कि यार तूने ये कैसे शादी कर ली यार। हम अपने कजन और कजनों से सवाल करने लग पड़ते हैं, यानी तुझे यही लड़का मिला था, यही लड़की मिली थी, ये ऐसी हुए। यानी कि हम अपने दिल से उसको जज कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने कजन या दूल्हा या दुल्हन की नजर से देखें, उनका आपस में रिश्ता देखें, तो उनका रिश्ता एक बहुत ही महफूज रिश्ता होगा, यानी उनके लिए बड़ा अनमोल रिश्ता होगा, उनके लिए आखिरी रिश्ता होगा, यानी कि वो आपस में बहुत सेटिस्फाइड होंगे, लेकिन हमें वो नजर नहीं आ रहा होगा। इस सिचुएशन के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, ये मैंने आपके साथ एक स्टडी के मुताबिक शेयर किया कि हम किस तरह से जज करते हैं, और इसको अगर मजीद आपके साथ मिसालों में शेयर करूं तो हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम जैसे ही मार्केट में खरीदते हैं प्रोडक्ट्स, अब वो प्रोडक्ट्स बिल्कुल आम सब्जी और फ्रूट की शक्ल में हो सकता है, कि हम जैसे ही खरीद रहे होते हैं तो हमें नजर आते हैं, हम कहते हैं ये क्या भाई, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, यानी कि हम सवाल करने लग पड़ते हैं। और हम अगर इस दुकानदार जिसकी दुकान पर हम खड़े हैं उसकी नजर से हम देखें तो हमें मालूम चलेगा कि ये तो सारी प्रोडक्ट फ्रेश हैं, बेहतरीन हैं, अच्छी हैं, नुक्स इनमें क्या है, वो बेहतरीन से जाता होगा जो दुकानदार होगा, हमें तो खैर मालूम नहीं है, क्या पता हम खराब को सही और सही को खराब बोल दें। खैर ये तो मिसालें थी, अगर आज के सेशन को बिल्कुल शॉर्ट सा शेयर करूं तो आज के सेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम बहुत बार ऐसा होता है कि हमें मालूम नहीं होता, ना हम सोचते हैं ना हम गौर करते हैं, बस हम अपने दिल से सोचते हैं कि वो सिचुएशन ऐसी हो, वो ऐसा होना चाहिए, ये निज़ाम ऐसे चले। खैर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही हम अपने आप को थोड़ा सा, यानी कि अपने दिल से बाहर दिमाग की जानिब से सोचते हैं और इस दिमाग को थोड़ा सा ट्रेन करते हैं और इसकी ट्रेनिंग में थोड़े मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस और थोड़ा सा इटालियन इंग्लिश का मसाला और थोड़ा सा हम ऑडियो बुक्स को, यानी कि तड़का कह दें, यानी कि हम अपने दिमाग को इस किस्म से और इन स्टेप्स प्रोसेस से गुजारते हैं, तो फिर दिमाग ओए होए 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 बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। इसी तरह से मेरे सेशन का होता है अख्ताम। मज़ीद माइंड की ट्रेनिंग के लिहाज से सेशंस आपके साथ अपलोड किए जाएंगे, जिससे ये मालूम चलेगा कि दिल से नहीं बल्कि दिमाग से भी अच्छा फैसला सोचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम।